हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नेहा। आप सभी का स्वागत करती हूं अपने चैनल रियल देसी तड़का में। आज मैं हाजिर हूं आप लोगों के सामने फिर से एक नई रेसिपी के साथ। आज मैं लौकी की रायता की रेसिपी शेयर करूंगी आप लोगों के साथ। लौकी से बहुत सारी चीजें बन सकती हैं। लौकी का हलवा बना सकते हो आप, लौकी का रायता बना सकते हो, उसकी बर्फी बना सकते हो। अगर आपको लौकी की बर्फी की रेसिपी देखनी है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप जाके देख सकते हो। बना के आप रख दो से तीन दिन, चार दिन तक ये आराम से चल जाता है। अगर आप लौकी की बर्फी चाहते हो तो पांच से छह दिन तक वो भी आप खा सकते हो। आगे आपको बहुत सारी अच्छी अच्छी वीडियोस मिलने वाली हैं गाइस। नवरात्रि के लिए बहुत सारी डिशेस हैं जो कि मैं आपको बताने वाली हूँ, आगे की वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे मेरा जो भी नोटिफिकेशन है सबसे पहले आप तक पहुंच सके। ये देखिए कितने अच्छे से मेरी लौकी गल चुकी है, पूरा दही के संग मिक्स हो गया है। लास्ट में मैं कुछ टिप्स भी शेयर करूंगी, तो चलिए वीडियो के साथ बने रहिए और स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लौकी के रायता। लौकी का रायता बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक लौकी ली है, उसको कद्दूकस किया और अच्छे से पानी निचोड़ के निकाल दिया है। लौकी में बहुत ज्यादा पानी होता है, या फिर अगर आपके पास टाइम है तो आप लौकी को कद्दूकस करके किसी भी चीज का टेक लगा के उसको रख दीजिए, थोड़ी देर में सारा पानी लौकी से जो है वो बाहर निकल आएगा। या फिर और फिर उसके बाद आप उसको हाथों से अच्छे से निचोड़ करके सारा पानी निकाल दीजिए। लौकी का पानी अच्छे से निकालने के बाद अब लौकी को हम फ्राई करेंगे। रायता मैं व्रत के लिए बना रही हूँ तो देसी घी में इसको फ्राई करूंगी। तो यहाँ पे दो बड़े चम्मच मैंने देसी घी लिया है, घी गर्म हो चुका है। इसमें दो हरी मिर्च मैंने कट किया था वो डाल दूंगी। फ्लेम जो है मीडियम रखिएगा। मिर्ची देखिए हो गई है, इसमें जो लौकी को मैंने कद्दूकस किया है वो डाल दूंगी। फ्लेम मीडियम रखिएगा, हाई फ्लेम नहीं करिएगा। अब इनको मिक्स करेंगे। अब इसमें डालूंगी थोड़ा सा नमक, नमक बहुत ज्यादा नहीं डालिए क्योंकि लौकी जो है वो गल जाती है। अभी ये गल के थोड़ी सी हो जाएगी। तब बनाते इस टाइम भी हम उसमें नमक डालने वाले हैं, तो नमक सिर्फ बहुत ही थोड़ा सा डालिएगा, सिर्फ कि इसको गलने के लिए। नमक लौकी में जो बीज होती है वाइट वाइट उसको निकाल दीजिएगा, उसको निकाल के ही कद्दूकस कीजिएगा। अगर आपकी एकदम नरम लौकी है तो उसमें तो बीज नहीं रहेंगे, लेकिन अगर आपकी लौकी थोड़ी सी हार्ड है तो उसमें बीज आ जाते हैं, तो वाइट वाइट बीज रहता है उसको निकाल दीजिएगा। ये देखिए लौकी दो रेडी हो चली है, दो से तीन मिनट में ये रेडी हो जाएगी एकदम से। कलर चेंज कर रहा है लौकी, आप देख सकते हो। चलिए दो से तीन मिनट इनको और पकने देते हैं, तब तक दही रेडी कर लेते हैं। रायता मैंने यहाँ पे दही लिया है, इसको अच्छे से फेंट लिया है, आप देख सकते हो। स्मूथ कर दिया मैंने इसको फेंट करके। अब इसमें एक चम्मच मैं जीरा पाउडर डाल रही हूँ, एक चम्मच के लगभग है। आधा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हो। एक चम्मच चीनी, चीनी भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिए। व्रत के लिए बना रहे हो तो इसमें सेना नमक डालिएगा, अदरवाइज अगर आप नॉर्मल बना रहे हो तो नॉर्मल नमक जो हम रेगुलर खाते हैं वो आप डाल सकते हो। थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर, नमक मैं लास्ट में डालूंगी। बस इन सबको मिक्स कर लेंगे। चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जितना आपको पसंद हो आप उतना डालिएगा। लौकी रेडी हो चुका है, इसको ठंडा होने देंगे। इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार नमक, नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। ध्यान रखिएगा अगर आप
व्रत हो तो सेरा नमक का यूज कीजिएगा, अदरवाइज आप सादा नमक यूज कर सकते हो जो रेगुलर खाते हो। लौकी देखिए पकने के बाद कैसे गल गई है, कितना थोड़ा सा हो गया है। सारी लौकी मैंने दही में डाल दिया है, अब इनको मिक्स करेंगे। ध्यान रखिएगा लौकी जो है ठंडा होने के बाद ही डालिएगा। सिंपल सिंपल से ट्रिक्स होती हैं, टिप्स होते हैं गाइस, जिनको अगर आप वीडियो स्किप करके देखोगे या पूरी नहीं देखोगे तो आप मिस कर देते हो, इसलिए वीडियो के साथ बने रहिए। छोटा सा वीडियो है ये। ये देखिए गाइस रेडी है हमारा रायता लौकी का। ऊपर से मैंने थोड़ा सा जीरा डाला है, काली मिर्च डाले है और रेड चिली। ये सारी चीजें आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हो। अगर आपको नमक कम लगता है तो आप नमक डाल सकते हो ज्यादा, या फिर आपको थोड़ा मीठा पसंद है, आपकी दही खट्टी है भी आप और डाल सकते हो। ये सारी चीजें आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। जीरा जो है इसमें आप भुना हुआ डालिएगा, भुना जीरा का टेस्ट जो है वो बहुत ही अच्छा होता है। बाहर बाजार का जो जीरा आता है वो मत डालिए क्योंकि वो भुना हुआ नहीं रहता है। लौकी अच्छे से गल जानी चाहिए। तीसरी चीज कि आपकी आप जब लौकी को कद्दूकस करते हो तो उसमें से पानी अच्छे से निकाल लेना, और जो बीज होता है लौकी में, अगर आपकी लौकी कड़ी है तो उस बीज को भी निकाल के कद्दूकस कीजिएगा, या फिर कद्दूकस करने के बाद अगर आप निकाल सकते हो तो उस बीज को निकाल दीजिएगा। लौकी अच्छे से पकी हुई होनी चाहिए आपकी। ये देखिए इतने अच्छे से लौकी हमारा इसमें मिक्स हो चुका है। आपको मेरी रेसिपी पसंद आएगी तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर मेरी वीडियो पसंद आती है आप लोगों को तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए। आई होप आपको ये रेसिपी जरूर पसंद आएगी। चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।